झाबुआ उपचुनाव हारने के ठीक 10 दिन बाद एक बार फिर भाजपा को करारा झटका लगा है। भाजपा के कब्जे वाली पवई सीट खाली हो चुकी है। मारपीट और बलवे के मामले में सजा को लेकर विधानसभा ने भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी है। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे सरकार बचाने की कोशिश बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार को न्यायालय ने लोधी को 2 साल की सजा दी थी। इस फैसले की कॉपी जब विधानसभा पहुंची तो अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोर्ट के फैसले के पालन में लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पवई विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रहलाद सिंह जी लोधी के विरुद्ध जो मध्य प्रदेश की विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश हुआ है, यह आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए भी है क्योंकि कल ही फैसला आया और आज विधानसभा ने तत्परता के साथ में सदस्यता समाप्त कर दी। हमारे विधानसभा के वह एक हम सभी के बीच में एक माननीय सदस्य, इस प्रकार की तत्परता यदि सरकार के कामों में दूसरे कामों में भरती जाती तो मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश की तस्वीर ही कुछ होती। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रहलाद सिंह जी हमारे विधायक, इनके बारे में जो फैसला किया गया है यह विधानसभा का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। उनको सुनने का अवसर विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष उनकी बात को सुनते, पूरी बात सुनने के बाद ही, क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, कई विषय आए सामने जब विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी बात को सुना है। हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्चतम न्यायालय जाएंगे, लेकिन जब अफजल व कसाब के लिए सुनने का अवसर देश की न्यायपालिका ने दिया है लेकिन विधानसभा इस अवसर के लिए नहीं देना चाहती है, ये बहुत दुख की बात है। एक निर्वाचित विधायक जो जन समस्याओं के लिए लड़ रहा था और उसी के लड़ते हुए उसके ऊपर जो प्रकरण बना वह अफजल व कसाब से भी बड़ा आतंकवादी हो गया, जो उसके लिए सजा, निश्चित रूप से यह बहुत दुखद दिन है मध्य प्रदेश की विधायी इतिहास के लिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है चुनाव शून्य घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, विधानसभा इसको रिकमेंड करती है। दूसरा सवाल यहाँ पर उद्भूत होता है कि धारा 8(3) में 2 साल से अधिक सजा होने पर सदस्यता जाती है, लेकिन इसकी आदरणीय प्रहलाद लोधी जी की सजा 2 साल तक है। मैं मानता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को शायद कानून की पूरी जानकारी नहीं दी गई संबंधित पक्ष के द्वारा, अथवा राजनीतिक दबाव के चलते सरकार बचाने के उपक्रम में इतनी जल्दी सदस्यता समाप्त करने का रिकमेंड विधानसभा शायद कर रही है। मेरा विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना है कि वो एक बार पुनः विचार करें, एक चुने हुए प्रतिनिधि की इतनी जल्दबाजी में, उसे नैसर्गिक न्याय का अधिकार है। हम निश्चित रूप से पूरी पार्टी प्रहलाद जी के साथ है और हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सदस्यता बहाल होगी। जी हाँ, उनके खिलाफ एक निर्णय आया था स्पेशल कोर्ट से जिसमें 2 साल की सजा उनको दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का नियम है, उसके वर्डिंग के अनुसार, उस नियम के अनुसार, रूलिंग के अनुसार जैसे ही सजा मिलती है तत्काल उसी क्षण उनकी सदस्यता वही इस संबंध में सर्टिफाइड कॉपी आ गई है, ठीक है, जिसके द्वारा मेरे आदेश जारी हो चुके हैं और तब संबंधित जानकारी राजपत्र में छपने के लिए चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है कि विधानसभा में एक पद रिक्त हो गया। दरअसल भाजपा विधायक लोधी समेत 12 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रेपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर मारपीट और बलवा किया। सांसदों विधायकों के मामले में देखने वाली विशेष अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई दी। भाजपा के बड़े नेता लोधी पर की गई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।